सरफेस को क्लीन कर ले पहले इसे ब्रश से। जो आपके पास ये वुडन का वो है ना एमर वुडन का ये है, तो वुडन के इसकी हाइट कितनी पता है, डाया कितना इसका 64 mm, 64 mm का डाया होता है। और जो इसके अंदर ये जो आपका जार है ना, जार के अंदर क्या 25 ml, इसके अंदर क्या आएगी सेंड आएगी, जो सेंड की जो पासिंग होती है 300 mm का पासिंग और 150 का रिटेन, हाँ 25 आएगी। इसको पहले इसको सेंड से भरो पूरा, पच्चीस एम एल तक पूरा कंप्लीट करो इसको, निकालो इसमें ज़्यादा हो गया। तो फ्रेंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हमारे पास के टूल्स होने बहुत जरूरी है, एक तो ब्रश और ये हमारे पास आई एस स्टैंडर्ड की जो सेंड होती है, और हमारे पास एक जार होना चाहिए 25 ml का, और वुडन का ही हमारे पास 64 mm का डाया का, एक हमारे से रैमर बोलते हैं उसको जो होना चाहिए, मतलब इसको सर्कुलेट करने में काम आता है, और स्टील का स्केल हमारे पास होना चाहिए। और फिर क्या करते हैं इसको 25 ml को भरने के बाद जहाँ का सरफेस कॉम्पटेक्चरिंग डेप्थ को चेक करना होता है वहाँ पर इसको फैला देते हैं पूरा। हाँ तो एक जगह पे इसको सरफेस पे मतलब डालो जहाँ पे आपने ब्रश से साफ किया, एक जगह डालो पूरी पूरा, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब 180 तक का मतलब इसका डाया होना चाहिए, घुमाते घुमाते उसको आगे कुछ लगाओ ना मार वो उड़ेगा पूरा। इसमें सर्कल बनाओ एक पूरा लंबा चौड़ा 180 182 मान लो जहाँ तक जाएगी, पूरा सर्कल करो पूरे, मतलब ये इसके अंदर में टेक्सिंग डेप्थ के अंदर पूरी ये सैंड चले जानी चाहिए अंदर, डरो राम राम ज़्यादा ना फैलाओ, मतलब ठीक होना चाहिए, जहाँ से गुलाई नहीं वहाँ से गुलाई करो। बस बस यहीं से ज़्यादा नहीं जरा, बस ठीक है। बस इसके अंदर घुमाते रहे इसको, इकट्ठी नहीं करनी होती है ऐसे घुमाते रहे, वैसे घुमाते रहे बोलो इसका, बस राउंड वीडियो घुमाते रहे इसको पूरा फैलाते रहे और घुमाते रहे, हाँ और घुमा दे जो हम बारीक से फेस निकाल दे इसका पूरा, तो घुमाते रहे इसको और बीच में से उठा इसको देख और घुमा बाहर की तरफ खींच इसको सारा बीच में से, तो फ्रेंड इसके बाद हमको क्या करना है पूरे मतलब सैंड है उसको पूरा सर्कुलर तक में इसकी जो डाया होता है 170 से 180 mm तक का डाया के अंदर इसको फैला लेना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है 5 मेजरमेंट करने होते हैं जो स्टील होता है स्केल इससे, तो 5 मेजरमेंट करने के बाद उसको हम पता लगा कि डाया कितना आ रहा है, फिर उसको मेजरमेंट का मीन निकालते हैं, मीन निकालने के बाद जो उसका 180 mm का पहला स्केल से है मेजरमेंट 5 करने पहले 180 mm लिखो, दूसरा वाला मेजरमेंट करो क्या है इसका, सेंटर टू सेंटर रखो इसको पूरा, सेंटर टू सेंटर नहीं गया ये भी 170 आएगा, नेक्स्ट करो 180 180, नेक्स्ट एक और 5 मेजरमेंट करने होते हैं उसमें 180
180। तो इसके अंदर कभी 5 मेजरमेंट करने होते हैं स्टील से, और उसके बाद इसका मीन निकाला जाता है, और मीन निकालने के बाद जो हमारा फार्मूला होता है 31,000 डिवाइड में डी का स्क्वायर से पता चलता है कि हमारे पास जो माइक्रो एस्फाल्ट होता है उसका सरफेस टेक्सचरिंग में क्या, हमारी जो इसके अंदर टूलेंस दिया होता है इसकी थिकनेस कितनी होती है वो मेजरमेंट करना पड़ता है, ताकि जो इसका जो घर्षण होता है इसके ऊपर सरफेस के ऊपर वो चेक किया जाता है कि इसके अंदर जो आपको जो सरफेस दिखा टेक्सचर सरफेसिंग दिखाई देती है ना उसको चेक करने के लिए काम किया जाता है इस पर। तो उसके बाद क्या होता है उसका मीन निकालना होता है, जैसे कि 180 170 ये हमारे पास डाया है उसको सभी को प्लस करो पहले, और इनको प्लस करने के बाद उसको मान जितने भी हमारे जैसे 5 बार इसकी हमने मेजरमेंट किया है तो 5 से इसको डिवाइड कर देना चाहिए, जो मीन आया 178 जो टेक्सचरिंग जो डेफ टेस्ट 78 मीन आया, तो इसको क्या करेंगे जो फार्मूला हमको दिया हुआ है उस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे और फिर देखते हैं इसकी हमारा जो टेक्सचरिंग डेफ कितनी है रिलीमेंट में है या बाहर। इसकी जो मिनिमम जो टेक्सचरिंग डेफ्ट होती है माइक्रो एस्फाल्ट की तो 1.0 से लेकर 1.5 तक होती है, तो इसलिए हमारी जहाँ पे जो इसका सरफेस आ रहा है 0.98 आ रहा, मतलब थोड़ा बहुत मान ली 1 से कम है, तो उसका सरफेस के देखते हुए तो हमको लग रहा है ना कम आनी ही चाहिए, क्योंकि इसका थोड़ा सरफेस आपको फिनिशिंग में ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए मैं 0.98 आई है। तो इसकी जो मिनिमम जो होता है 1 होता है, और मैक्सिमम जो होता है 1.5 mm तक इसकी सरफेस टेक्सचरिंग आनी चाहिए माइक्रो एस्फाल्ट की। तो ऐसे इसको क्या है कि ये माइक्रो एस्फाल्ट जो टेक्सचरिंग सैंड से किया जाता है, तो ये हमारा क्या है इसकी जो सरफेस की क्या थिकनेस इसको जो मेजरमेंट होते हैं इसकी डेप्थ को चेक किया जाता है, इससे जो रोड पे जो माइक्रो एस्फाल्ट डाला जाता है उसकी कहाँ, जैसे कि ये इसको घर्षण वगैरह जब टायर होते हैं लिफ्ट होते हैं तो टायर के उसके बीच की जो थिकनेस होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है टेक्सचरिंग डेप्थ माइक्रो एस्फाल्ट।